रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो जो सी रहता है बीच में आरसीबी का, दैट सी दिस सीजन स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। एकमात्र ऐसी टीम है जो लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है, अपराजित है, और आईपीएल के इतिहास में बैंगलोर ने ऐसा पहली बार काम किया है, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है इतने सारे सालों में कि शुरुआती 3 मुकाबलों में एक भी मुकाबला नहीं हारा है बैंगलोर। तो फिर तालियां बजाइए, टेक अबाउ कोहली की टोली, वेल डन मैक्सवेल, वेल डन एबी, वेल डन हर्षल पटेल, यूजी चहल, कोहली, आई मीन इट्स बीन अ फैंटास्टिक का जर्नी दस फार। अब शाम की कहानी ये थी कि पंजाब पे पड़ गई दिल्ली थोड़ी सी भारी मेरे यार। यस, हमें शिखर धवन की बल्लेबाजी दिखी, हमें केएल राहुल की भी दिखी, मयंक अग्रवाल की भी, लेकिन इट वॉज द शिखर धवन शो इन द एंड दैट जस्ट रैन अवे विद द गेम। और आज शाम को मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर, यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु और चेला हैं, क्योंकि दोनों विकेट कीपर हैं, एक तरफ है कप्तान माही वेरी कूल और सामने संजू सैमसन पूरा पैसा वसूल। और आज का मेरा ट्रिविया यह है कि आईपीएल के इतिहास में जो सबसे इकोनॉमिकल ओवर्स रहे हैं, जिन्होंने भी 4 ओवर का स्पेल पूरा किया हो ऐसे गेंदबाजों में, वो ऐसे कौन से, लेट मी जस्ट टेल यू एग्जैक्टली, वो कितने गेंदबाज, वो 3 ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने सबसे किफायती अपना स्पेल डाला है 4 ओवर का, वो कौन है, बताओ कौन है वो। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक # आकाशवाणी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी चेपॉक के मैदान से। टॉस जीत गया कोहली ने टॉस जीत के बैटिंग का किया फैसला। और बताया कि देखिए, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में या इंडियन प्रीमियर लीग में आपको ना जो 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, मतलब वो खिला सकते हैं आप, मतलब उससे ज्यादा नहीं खिलाने, उससे कम आप खिला सकते हो। 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ उतर गई बैंगलोर की टीम, ड्रॉप कर दिया उन्होंने डैनियल क्रिश्चियन को, रजत पाटीदार को दिया मौका। आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड कि भाई ऐसा काम किया है, और कोलकाता ने कहा हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, हमारी तो टीम ठीक लग रही है, हम इससे खेलेंगे। हालांकि नारायण बाहर बैठे हैं, आप क्यों नहीं खिला रहे, दोपहर का मैच है, चलिए कोई बात नहीं, वी शैल फाइंड आउट। अब शुरुआत जब होती है तो बल्लेबाजी में पहले ओवर तो ठीक है, भज्जी डालते हैं, दूसरे ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते हैं और 2 विकेट चटका जाते हैं, पहले कोहली फिर रजत पाटीदार। जो सामने वाली टीम है वो एकदम दबाव में है, वहां पर मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं और कैप्टन मॉर्गन, कैप्टन मॉर्गन की कप्तानी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ जितने लोग थे, चाहे वो पार्थिव पटेल थे, चाहे वो अजीत अगरकर थे, चाहे वो गौतम गंभीर थे, चाहे वो मतलब जितने भी थे, वो सभी कह रहे हैं यार कर क्या रहे हो भाई साहब, मैक्सवेल बैटिंग करने आए, आपकी टीम 2 विकेट गंवा चुकी है 9 के कुल स्कोर पर, अब आप किससे गेंदबाजी कराएंगे, वरुण चक्रवर्ती वो करेंगे ना, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। मैक्सवेल पर ऐसा नहीं किया, वहीं पर उनको रोक दिया गया। भज्जी ने दूसरा ओवर भी अच्छा डाला, फिर उनको भी रोक दिया गया। कर क्या रहे थे जनाब, आपने, आपके पास मौका था कि आप इस मैच को पहले 6 ओवर में ही ऑलमोस्ट गेम सेट मैच कर सकते थे, कि अगर कहीं मैक्सवेल वहां आउट हो जाते हैं, एबी की बारी वहां पर आ जाती है, बैटिंग में फिर कमजोरी नजर आती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से मॉर्गन ने मैच को ना आगे की तरफ चलने दिया और मैक्सवेल एक बार फिर छा गए। ऑल इज वेल विद ग्लेन मैक्सवेल, और जब तक ये ऐसा करते रहेंगे तो भैया टीम अच्छा करेगी। 2 अर्धशतक तक ये जड़ चुके हैं, और ये वाला जो था ना, ये तो और भी खास था, मतलब पिच उतनी कम, वो कहते हैं ना स्लो नहीं थी, पर ये खिलाड़ी बहुत फास्ट है, और लेफ्ट मतलब इधर भी मारते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब काम करते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस किसी का एक किस्म का ये इंसान है। और उसके बाद आए एबी डिविलियर्स, अद्भुत डिविलियर्स, और सही है मेरा ये जो म्यूचुअल फंड सही है का जो मोमेंट है ना, वो वही था एबी डिविलियर्स का ना, क्योंकि हम सब आप और मैं यही सोच रहे थे कि आप इतनी नीचे बैटिंग करा रहे हो यार, पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं एक रन कम बनाएंगे। उनका नो प्रॉब्लम, मैं उन्हें यार डोंट वरी अबाउट दिस, मैं काम कर लूंगा, सुपरमैन फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की ना, ऐसे और कोई कर नहीं सकता था, इतनी नीचे जाकर इतनी कम गेंदों पर चेन्नई की वो उस धीमी सी पिच पर 200 के पार पहुंचा दिया अपने टीम के टोटल को। आंद्रे रसेल की जो गेंदबाजी थी, या कहें यहाँ पर भी मॉर्गन की बात करनी पड़ेगी, 1900 ओवर भाई साहब हरभजन सिंह से कराया आपने, ऑफ स्पिनर से आप 1900 ओवर क्यों कराएंगे? आपके पास शाकिब का ओवर बचा था, आपकी मिसकैलकुलेशन हो गई, चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ, बट शाकिब बचा है, सामने 2 राइट हैंडर है, एक है एबी, साथ में काइल जेमिसन, आप ऑफ स्पिनर को करा रहे हो यार। उन्होंने धम 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 पिटाई कर दी उस ओवर के अंदर, और महंगा ओवर था, आखिरी ओवर भी महंगा था, वो आंद्रे रसेल ने डाला, तो जो आपकी डेथ की जो कमजोरी है एक बार फिर निकल कर आई, वो अपना एबी डिविलियर्स है, सबको बता दिया कि देखिए ऐसा है। उसका जब बैटिंग आई तो बहुत कोशिश की, और कोलकाता लड़ाई झगड़ा करता रहा, शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी की, नीतीश राणा बड़ा शॉट मार रहे थे, राहुल त्रिपाठी भी ठीक खेल रहे थे, मॉर्गन भी आते हैं, पर मॉर्गन आते हैं तो उतना तेज तो नहीं खेलते, 3 उन्होंने छक्के मार दिए पर रन बॉल से थोड़े से ही आगे थे। मॉर्गन द कैप्टन, मॉर्गन द बैट्समैन, देयर आर क्वेश्चन मार्क्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसके बाद आप शाकिब को भेज देते हैं रसल से पहले,
देखिए इस मुकाबले में सिर्फ एक तरीका था आपका मैच जीतने का, जब आप 10 रन प्रति ओवर शुरुआत से चेज कर रहे हैं और जब गोल वो पुराना होता जाता है, गेम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है, पिच जो है वो धीमी होती जाती है, देयर वाज ओनली वन वे कि आप ये सोचिए कि आदिल रसूल किसी तरीके से 40 बॉल खेलने दो, अब उस 40 में उन्होंने 80 बना दी तो आप मैच जीत गए, अगर वो आउट हो गए तो मैच तो वैसे भी हार रहे हो। बहुत नीचे बैटिंग करने भेजा तब तक ना, मतलब ऑलरेडी 12 साढ़े 13 14 15 ऐसे भाग रहा था, आस्किंग रेट नहीं काम आया। तो मेरे विचार में, तो मतलब मेरे विचार में क्या, मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये सामने वाली टीम ने इस बार काम किया क्या। हर्षल पटेल एक बार फिर डेथ में आता है, अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, यूजी चहल भी एक दो विकेट अच्छे चटका जाते हैं, कुल मिला के बड़ा अच्छा ऑलराउंड शो कर दिया एक बार फिर कोहली की टोली ने और जीत गई आरसीबी मैच। और कोटक माय टीम में मैंने 3 खिलाड़ियों को पिक किया जो कि मैं हमेशा करता हूं। मेरे 3 खिलाड़ी हैं जी, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल और हर्षल पटेल। ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैंकेबल प्लेयर्स हैं यार, आई लाइक देम, बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से मैं कोटक माई टीम में मेरे ये 3 प्लेयर हैं। अब जरा शाम को चलते हैं, शाम की बात हुई जहां पर पंजाब और दिल्ली का मुकाबला था, यहां पे भी टॉस इंपॉर्टेंट है और जब आप चेन्नई में होते हैं बैटिंग करना चाहते हैं, यहां पे आप फील्डिंग करना चाहते हैं। पंत टॉस जीत गए और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला कर लिया। केएल राहुल का बर्थडे था भाई और बर्थडे बॉय बैटिंग करने आया और बर्थडे बॉय ने अच्छी बैटिंग की, मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शुरुआत ऐसी हुई कि भाई आज तो 225 रन बनेंगे क्योंकि मयंक ना, आई लव दिस बॉय टू बिट, व्हाट अ प्लेयर यार, मतलब इस खिलाड़ी के ना शरीर में एक भी ना सेल्फिश बोन नहीं है, चाहे मतलब 2 इनिंग्स में आउट होके आए या पिछले 3-4 महीने उतने अच्छे नहीं रहे, उसके बावजूद पहली गेंद से मारना शुरू कर, मारते परवाह ही नहीं कर रहे, कह रहे यार राहुल तुम मारो या ना मारो मैं तो मारूंगा, उस लिहाज से खेले। फिर वो आउट होते हैं, उनके पीछे पीछे गेल आउट हो जाते हैं जो थोड़ा सा समय बिताते हैं। अब यहाँ पर था कि मुझे लगा कि केएल राहुल जो है वो गियर चेंज करेंगे, वहाँ गियर चेंज हुए नहीं, पूरन हुडा सबने मिल मिला के कोशिश बहुत की पर आप 200 से शॉर्ट ही रहेंगे और 200 से शॉर्ट यहाँ रहने का मतलब है कि आप सामने वाली टीम को वापस आने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि बॉल गीली पहली इनिंग्स में शुरू हुई थी होनी, आई मीन दैट इज द प्रॉब्लम। हालांकि बॉलर वैसे माफ करना, पंजाब अपना दिल्ली वाले भी सारे महंगे थे, जब भाई मतलब 9.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे हो सारे महंगे होते हैं। फिर आते जी बल्लेबाजी, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ हमने बात की थी ना कि ये जो सीजन है ना इस खिलाड़ी का बहुत खास रहने वाला है, इस पृथ्वी को आकाश पुकार रहा है और कह रहा है कि अच्छा खेलेगा, इस बार भी अच्छा खेले, सामने 2 छक्के, एक जो शामी का छक्का था, ऐसे करके कितनी मतलब तारीफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किस तरीके से उनकी मैं बयां करूं तारीफ, वो जो जिस तरीके से उन्होंने किया। शिखर धवन वंस अगेन हैज री इन्वेंटेड द व्हील, अगर हम उनका करियर का आईपीएल का स्ट्राइक रेट देखें तो 127 का है, लेकिन पिछले 2 साल से देखो तो 150 के पार भाग रहा है और रन चेंज में तो 70 का औसत भी हो जाता है। सेंचुरी अपनी उन्होंने मिस की, मतलब ये पहले भी हो सकती थी सेंचुरी, जो फर्स्ट मैच में थी यहाँ पे भी सेंचुरी हो सकती थी, बट सेंचुरी मिस भी कर दी कोई बात नहीं, पिटाई खूब सारी की है। राइली मेरेडिथ और जय रिचर्डसन के लिए मेरे एक मन में एक सवाल ये है कि भाई साहब देखिए, अब आपके पास इतने पैसे खर्च करके आप 2 खिलाड़ियों को खरीदते हैं तो आपको उम्मीद यही होती है कि हमारी बॉलिंग की जो कमजोरी है ना ये संभाल लेंगे, नहीं हो रहा है, दोनों बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इस मैच में शामी बहुत महंगे पड़े, उनका भी अर्धशतक हो गया, तो अगर शामी की अर्धशतक हो जाए, राइली मेरेडिथ और जय रिचर्डसन इनसे भी रन ना रुके तो फिर वो टीम मैच नहीं जीत सकती, ये बात कन्फर्म है। आप 200 बना लेते तो अच्छा था, नहीं भी बन मतलब बना लेते तो शायद थोड़ा सा और करीबी मैच हो जाता, लेकिन अगर इस तरीके की गेंदबाजी रहेगी तो फिर वो 200 भी चेज हो जाएंगे। तो अभी तो 3 में से 2 मैच हार गई है पंजाब की टीम और 3 में से 2 जीत गई दिल्ली की टीम। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी रणनीति दिल्ली की ठीक है नहीं, स्टीव स्मिथ को 3 पे खिला रहे हैं बट रहाणे को भी खिला सकते थे, स्टोइनिस अभी मुझे लग रहा थोड़ी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, स्टोइनिस को उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, आई एम लिटिल सरप्राइज। तो कुल मिला के एक्चुअली आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, जो कैप्टनसी के जो तरीके थे ना कि आवेश को आप 10वें ओवर में ला रहे हो, राइली मेरेडिथ को आप 11वें या 12वें ओवर में ला रहे हो, पर्सनली आई डिडंट कट इट, मे बी आई थिंक इट वॉज अ बैड डे फॉर कैप्टन्स, चाहे वो ऑन मॉर्गन हो बाद में, चाहे वो पंत हो या राहुल हो, क्योंकि बहुत कहते हैं ना वो जो बेसिक एरर्स आपको दिख जाती हैं कि ये गेम प्लान में थोड़ी एरर है, वो एरर्स नजर आई। चलिए अब जरा शाम के मुकाबले में चलते हैं। वैसे भाई तभी 3 ऐसे गेंदबाज हैं, ट्रिविया था मेरा, 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे किफायती बॉलिंग की है, जिन्होंने 4 ओवर का स्पेल किया और 3 बॉलर्स हैं, 3 में से 2 इंडियंस हैं और उनका आइडेंटिकल वो एनालिसिस है, कौन से 3 बॉलर है कमेंट सेक्शन बताना। आज शाम के मैच की बात करते हैं, सीएसके के सामने होगा राजस्थान रॉयल्स। अब रॉयल्स और ये वही टीम है जो सबसे पहली बार आईपीएल का फाइनल हुआ था ना, इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही हैं और इसी मैदान पे खेली, यानी कि वानखेड़े का मैदान, छक्के एक बार फिर ये 6 हिटिंग सेंट्रल बन सकता है, टॉस जो जीतेगा वो गेंदबाजी करेगा और उसका पलड़ा भारी रहेगा। अब कुछ बदलाव की गुंजाइश है,
दोनों शोर से एक्चुअली ज्यादा है नहीं कोई बदलाव की गुंजाइश, जैसा खेल रहा वैसा खेलते रहिए, जो पिछले मैच में हुआ मोर ऑफ द सेम, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम गोना से। मोइन अली पिछले मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे, यहाँ पे भी आपसे उम्मीद रही होगी सामने वाली टीम में वो बीच में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, डेविड मिलर, अब डेविड मिलर के सामने आपको बॉलिंग करनी पड़ सकती है। फील्डिंग जड्डू ने बहुत अच्छी की थी पिछले मैच में, चाहन ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, अगर दूसरी तरफ देखें तो आप उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन ने जो पहले मैच में बैटिंग की थी वो इस मैच में बैटिंग कर जाए और कुल मिला के जॉस बटलर के रन भी बन जाए क्योंकि उनके रन बनना भी जरूरी है और क्रिस मॉरिस ने जैसे बल्ला बोला था वैसे बोल जाए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड गेम, हूएवर विंस द टॉस विल हैव एन एडवांटेज, आई एम गोइंग विद चेन्नई, आई थिंक चेन्नई माइट जस्ट विन दिस गेम। अब वो जो ट्रिविया था वो उसकी बात कर लेते हैं, दैट्स द लास्ट वन। चार ओवर्स का स्पेल, बेस्ट इकोनॉमी रेट दैट वाज 1.5 रन्स पर ओवर। फिडल एडवर्ड्स, आशीष नेहरा एंड यूजी चहल तीन गेंदबाज हैं जिन्होंने चार ओवर के स्पेल डाले थे, चार ओवर में सिर्फ 6 रन दिए होंगे, तभी तो डेढ़ का स्पेल बना ना, डेढ़ रन प्रति ओवर चार ओवर में इन तीनों ने एक एक बार ये काम किया है। ताली बजाओ इनके लिए, कल से उठे मिलेंगे, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाश में, हल्का सा आगे बढ़े और बैक फुट ड्राइव, ब्यूटीफुल।